alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Engvid. Professor Shahzad Tabassum. Shahzad is here. Mm -hmm. Dear students and viewers, please subscribe my YouTube channel. Dear students and viewers, today we are going to start the British literature, and first of all, we are going to study about Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer was born between 1340 or 1345 probably in London. ये शायद 1340 से 1345 के दरम्यान लंदन में वो पैदा हुआ था. His father was a prosperous wine merchant. कि उसका बाप जो है एक शराब जो है बेचने वाला था या शराब का ताज़र था. In 1357 he was a page in the household of Elizabeth de Burgh, Countess of Ulster. वाइफ ऑफ प्रिंस लाइनल उसके यहाँ वो मुलाजिम था वैप्चर्ड बाई द फ्रेंच ड्यूरिंग द ब्रिटनी एक्सपरेशन ऑफ थर्टीन फिफ्टी नाइन बट वैंसम बाई द किंग उसे फ्रांसीसो ने पकड़ लिया था और बादशाह ने तावान अदा करके उसे छोड़ा लिया था एडवर्ड थर्ड लेटर सेंट हिम टू फ्रेंस एन ए डिप्लोमेटिक मशन एडवर्ड थर्ड ने जो है उसे डिप्लोमेटिक मशन पर फ्रांस भी भेजा था ही ऑल्सो ट्रेवल टू जिनोआ एंड फ्लोरेंस ये दोनों इटली के शहर हैं कि वो जिनोआ और फ्लोरेंस भी गया था अराउंड थर्टीन सिक्सटी सिक्स जॉसर मैरिट फिलिपेरो लेडी इन वेटिंग इन द क्वींस हाउस होल्ड कि उसने फिलिपेरो से शादी की जो मलिका के यहाँ काम किया करती थी फिलिपे सिस्टर कैथरीन स्विनफोर्ड लेटर विकिंग द थर्ड वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट किंग्स फोर्सन एंड चौसर्स पेटरिन कि जो उसकी बहन थी वो जॉन एफ गांड की जो है मुलाजमा थी इन 1374 चौसर वाज अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ द ल्यूक्रेटिव लंडन कस्टम्स कि उसे लंडन कस्टम्स का जो है कंट्रोलर मुकर कर दिया गया था ये कंट्रोलर जो है वो ओल्ड स्पेलिंग्स हैं इन 1386 एटी सिक्स ही वॉज इलेक्टेड मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कैंट एंड ऑल्सो सर्व एज ए जस्टिस ऑफ पीस के इन दो अहम उहदों पे भी उसने काम किया इन 1389, एटी नाइन ही वॉज मेड अ क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क ओवर सींग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स कि वो जो है ओवर भी था कि बादशाह के जितने प्रोजेक्ट्स थे उनको मुकम्मल करने में जो है वो पेश पेश था और उनका हेड था सारे काम का तो इसका मतलब ये है कि चौसर ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी थी और उसने जो है बहुत सारे अहदों पे काम किया था और ख़ासा एक्सपीरियंस था उसका लाइफ के बारे में ही नंबर ऑफ राल पोस्ट सर्विंग बोथ एडवर्ड थर्ड एंड हिस् सक्र रिचर्ड इन दोनों के ज़माने में भी उसने जो है बहुत सारे उहदों पर काम किया था चौसर लिप ड्यूरिंग ये या आपको याद होना चाहिए कि तीन जो है बादशाह थे जिनके दौर में जो है चासर जो है वह जिंदा रहा एडवर्ड थर्ड थर्टीन टू थर्टीन रिचर्ड सेकंद थर्टीन टू एंड फोर्थ 1399 to 1415. टू was the first poet to फर्स्ट buried टू बी बरेड इन वेस्ट मिनिस्टर ए बी नाउ नोन एज द वेस्ट मिनिस्टर ए बी जो है वो एक चर्च है वहां पे इसे दफन किया गया और बाद में बहुत सारे और भी शोरे कराम को वहां पे दफन किया गया इसलिए उसे Poets' कॉर्नर कहा जाता Arnold कॉल्ड him फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री ऑर्नल ने उसे कहा था मैथ्यू ऑर्नल जो एक बहुत मशहूर शायर भी था और क्रिटिक भी कि वो अंग्रेजी शायरी का अमजद है इन द लेजेंड्स ऑफ़ गुड वेमन द नाइन लेपल मिडिया ल्यूक्रीस फिलस एंड फिलोमिला ना भी याद करें तो कोई इशू नहीं है मगर इनमें से कुछ तो आपको पता है वो बार बार आएंगे जैसे डायडो क्वीन ऑफ कार्थीज जो है वो मॉलो का एक प्ले है पेट्रो आप जानते हैं वो जो है एक रोमन थी जो शेक्सपियर के प्ले में जो है उसका जिक्र मिलता है मिडिया आप जानते हैं कि एक प्ले था ग्रीक इसी तरह से ये बाकी भी सारे मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ड्राइडन री रोट कैंटरबली टेल्स इन मॉडर्न इंग्लिश कि ड्राइडन ने उसकी किताब जो कैंटरबली टेल्स थी उसको जदीद अंग्रेज़ी में ढाला था क्योंकि वो जो अंग्रेजी थी वो पुरानी इंग्लिश थी जब चौसर ने ये नज़म लिखी थी ही वॉज द फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड कि वह इंग्लैंड का पहला नेशनल पोइट था ड्राइडन सेड अबाउट हिम हेयर इज गॉड्स प्लेंटी कि यह अपने कोटेशन याद रखनी है ज गॉड्स प्लेटरी ये भी आपको बताया कि आपके इम्तिहान में भी अक्सर ये सवाल आता है कि उसको एक्सप्लेन करें तो यहां पर भी पूछा जा सकता है कि कहने वाला कौन था एंड डायमंड एक्सरसाइज ए डीप इंफ्लुस इन चौसर बुकेचियो जो है वो इटेलियन था बहुत मशहूर जो है लिखने वाला या लिखारी ऑन डिप्लोमैटिक मशीन सेंट टू इटली वेरी मच पे एंड बुकेचियो की ये दोनों जो हैं मशहूर हैं अदीप इटली की इन दोनों से उसकी मुलाकात हुई हि मेक्स ए क्लियर रेफरेंस ऑफ पैथरार्क इन इज क्लर्क स्टेल कि क्लर्क की जो कहानी है उसमें पैथ्रियात का तस्करा भी करता है ही इज कॉल्ड फादर ऑफ़ इंग्लिश पोइट्री एंड ग्रैंड फादर ऑफ़ इंग्लिश नावल कि उसे शायरी का जदमजद भी कहा जाता है और नावल का भी क्योंकि ये जो उसके अंदर आपको रियलिज्म नज़र आता है तो वो जो है नावल की बाद में पहचान बना He is called Morning Star of Song and Morning Star of Renaissance. Renaissance वही जो रिवावल ऑफ लर्निंग है कि उसका आगाज जो है वो चौसर से हुआ इसलिए मॉर्निंग स्टार कहते हैं ऑन एट सेज अबाउट हिम चौसर लैक्स नॉट ऑनली द एक्सेंट ऑफ डेटे बट ऑल्सो द हाई सीरियसनेस क्या ऑनर ने तनकीद भी की है उसके ख्याल में चौसर जो है वो डेंटे की तरह अजीम शायर नहीं है कि उसका स्टाइल ग्रैंड नहीं है आपने ये टर्म सुनी होगी कि आर्नल्ड ने इस्तेमाल की थी ग्रैंड स्टाइल पोइटरी के हवाले से तो उसके ख्याल में चौसर जो है वो ग्रैंड स्टाइलस नहीं है मिल्टन की तरह या डेंटे की तरह ही इज द फर्स्ट वन टू यूज ऑटोवा रीमा इन द बुक ऑफ द टचे ऑटवा रीमा क्या है एट सिलेबल लाइन है इन कपलेट राइमिंग कपलेट की शक्ल में जो एट सिलेबिक लाइन है वैसे ऑक्टेवा रीमा कहा जाता है कोई कहता, ही कहते रीमा ही फर्स्ट यूज हेरोइक कपलेट इन द लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन हेरोइक कपलेट की तारीफ क्या है इज टेन सिलेबल लाइन राइमिंग इन कपलेट्स कि कपलेट्स के शक्ल में टेन सिलेबिक लाइन्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं हेरोइक कपलेट या इन्हें डेका कपलेट भी कह सकते हैं क्योंकि डेका टेन को ही कहता है

कि ये जो है वर्ड्स की शक्ल में लिखा हुआ नॉवल है वैसे तो नॉवल प्रोज की शक्ल में लिखा जाता इन द हाउस ऑफ फेम चौसर रिजेंबलेंस क्लोजेस्ट टू डेंटे डिवाइन कॉमेडी कि ये जो हाउस ऑफ फेम है इसमें ऐसे ही लगता है कि उसने डेंटे से इंस्पिरेशन हासिल की है या डेंटे की पॉइम और उसकी पॉइम के दरम्यान सिमिलैरिटीज जो है वो मौजूद है डब्ल्यू जे लॉन्ग इसकी हिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे कॉल द प्रोलॉग टू देंटरबरी टेल्स एज द प्रोलाग टू मॉडर्न फिक्शन बिकॉज ऑफ इट्स रियलिज्म रियलिज़म की बुनियाद पे यही कहता है कि ये जो है न सिर्फ शायरी का जदमजद था बल्कि नावल का या प्रोज का या नसर निगारी का भी जदमजद था जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स कंटेंट्स एट फिफ्टी कि प्रोलाग के लाइन्स की तादाद क्या है आठ ये आपको याद रखता है The general plan of Canterbury टेल is taken from बुकेचियोज डी Cameron. की डी कैमरन जो है बुकेचियो की किताब थी तो उस पर उसने जो है डिज़ाइन किया इस कैंटरबरी टेल्स को In Canterbury, the pilgrims could be seen going to Thomas a Becket in the month of April. कि वो उसकी श्राइन पर जा रहे होते हैं अप्रैल के महीने में लोग जो हैं जिन्हें हम जायरीन कह लें गेफ पैन पिक्चर्स ट्वेंटी 21 पिलग्रम्स इन दिस वर्क इक्कीस जो जायरीन है उनकी उसने तस्वीर कशी की है पेन पिक्चर यही कहते हैं कि आप जो है ब्रीफ सा खाका जो है स्केच जो है वो पेश करते हैं का कहना था कि अगर जो है ये प्रोज में लिखता है ट्रायलस और प्रीसीडा तो फिर शायद जो है फिक्शन का बानी रिचर्डसन न कहलाता बल्कि चौसर को कहा जाता कि उसने ये जो है क्योंकि वर्ड्स में लिखा था ठीक इसलिए मतलब ये बात बार बार की जा रही है कि अक्सर क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि चौसर क्या है तो अपने रियलिज्म की वजह से उसे जो है नावल का अमजद भी कहा जा सकता है एडमिन स्पेंसर इन इज फेरी क्वीन कॉल चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड कि उसने फेरी क्वीन में जो है चौसर को इस तरह से मुखातिब किया था तो यह भी आपको याद रहे कोटेशन mm -hmm. नेवल कॉगहल इंटरप्रिटेड कैंटरबरी टेल्स इन ट्वेंटी सेंचुरी इंग्लिश इसने जो है फिर बीसवीं सदी में बोली जाने वाली अंग्रेजी में जो है इन कहानियों को तब्दील किया था तो यह भी आपने याद रखा Albert called Chaucer the earliest of the great moderns and the morning star of Renaissance. Albert is भी history लिखी English literature की. Dryden called Chaucer the father of English poetry. Chaucer found his native tongue a dialect and left it -right a language. <laughs> ये जो है एक और किटे का कहना था कि उसने पहले तो उस वक्त English एक dialect थी और उसने उसे एक ज़बान में तब्दील कर दिया. चौसर इज द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न मैथ्यू आर्नल्ड ने यह कहा था इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज द ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नावल हेयर इज गॉड्स प्लेट्री पहले भी पढ़ चुके हैं ये मुख्तु कोटेशंस हैं आपने जो है इनको याद रखना है कि पूछी जा सकती है इम्तहान में कि चौसर के बारे में यह अल्फाज किसने कहे थे अकलिव रोट फेमस पॉइंट द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेज एन द डेथ ऑफ चौसर की उसकी मौत पर जो है अकलिव ने उसका मर्सिया लिखा चौसर एंड लिंग्लैंड डाइड इन द सेम ईयर यह याद रखें कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं एक ही साल में उनकी डेथ हो गई थी चौसर हेज बिन क्रिटिसाइज फॉर प्रेजेंटिंग अबाउट कोथ एंड कल्टिवेटेड क्लासेज इन निगलेक्ट दफरिंग ऑफ द पुअर कि कुछ लोग कहते हैं कि वो जो है गरीबों को बयान नहीं करता कि उसकी जो है किताबों में जो है सिर्फ अमीरों का या अपर क्लास का तस्करा मिलता Although in Canterbury Tales 120 stories were planned but only 24 were completed. उसका plan था कि 120 स्टोरीज लिखूंगा मगर सिर्फ 24 स्टोरीज के हैं वो मौजूद हैं. Chaucer introduced phyllacity in English. यहां पे phyllacity क्या है? phyllacity of expression, exactness के लिए या eloquence के लिए. Longest tale of Canterbury Tales is Knight's Tale. ये आपको याद रखना है. Chaucer has been called the Prince of Pleasure rests. कि कुछ कहते हैं कि शायद वो प्लेजर था कि उसने यही बुकेची और पथराक और इन सब को कॉपी किया और डिवाइन कॉमेडी के लें डेंटे को चौसर वॉज नॉट इन एनी सेंस द पॉइंट ऑफ द पीपल बाय हथसन डेरिक हथसन उसने भी शायद हिस्ट्री लिखी है वर्क्स ऑफ इस लाइफ कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री पीरियड्स पढ़ते तो हैं पहला फ्रेंच पीरियड है ये सिर्फ एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन है क्योंकि असल जो है वो इंग्लिश पीरियड है जो आपको पढ़ाया जाता है और जिसके बारे में आपके पास मालूम जो है वो चाहिए इनका एक ब्रीफ सा तस्करा है थर्टीन टू थर्टीन ये उसका अर्लीस्ट पीरियड था ड्यूरिंग दिस टाइम चौसेट ट्रांसलेटेड द रोमन रोम रोज अ फ्रेंच पॉइंट रिटन डूरिंग दंड्रेड्स यू ऑल्सो रोट हिज बुक ऑफ द डचेस एंड A poem that shared much with contemporary French poetry of the time, but also departed from that poetry in important ways. एक मर्सिया था कि French poetry से resemble करता है और उससे कुछ मुख्तलिफ भी है individuality आपको Chaucer's extensive reading of Latin poets such as Boethius also influenced his own work, कि Boethius को पढ़ा He and was, by it was influenced by French masters as Guillaume de Machu, स इनके नाम याद रखने की वैसे कोई खास जरूरत नहीं मगर इनसे भी वो मुतासर बात है रोमैंस ऑफ द रोज 1360 में लिखी द बुक ऑफ द डेच थर्टीन में इनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन इनका नेम आपको आना चाहिए सम ऑफ द अदर वर्ग्स ऑफ दिस पीरियड आर द ए बी सी इट इज रिटन इन एट लाइन टें कंप्लेंट इन टू पिटी Chaucer has used first time a seven line stanza known as rhyme royal in this work, the complaint of Mars, Queen Elida. In 1372, Chaucer has been to Italy and came in personal contact with Dante, Petrarch, and Boccaccio. Italians. The important works of this period are Troilus and Crisidia, Crisida, द पार्लियामेंट ऑफ़ फाउल्स द हाउस ऑफ फेम एंड द लेजेंड ऑफ़ गुड वेमन इनके भी आपको नेम्स आने चाहिए आगे इनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी मौजूद है और लास्ट पे हम आते हैं इंग्लिश पीरियड की तरफ द फेमस वर्क ऑफ दिस पीरियड इज़ कैंटरबरी टेल्स वीच रिटन आफ्टर इन्फ्लुएंस ऑफ बुकेचियो इज द डी कैमरन के उसने जो है बुकेचियो की इस किताब से मुतासर होकर कैंटरबरी टेल्स लिखी थी शास के मतलब इतना ही काफ़ी है तो आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखे हैं कि उसके हालत ज़िंदगी और मख्त क्रिटिक्स की जो उसके बारे में राय है उसकी राइटिंग्स को तीन पीरियड्स में तकसीम किया जाता है उन पीरियड्स का ख़ास तौर पर जो इटालियन और फ्रेंच हैं, उनके बारे में तो आपको सिर्फ ब्रीफली पता हो और जो मेन उसकी राइटिंग्स हैं उनके नाम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपको आना चाहिए कल जो है फिर तफ़ील से जो है उसका जो इंग्लिश पीरियड है उसको स्टडी करेंगे टिल दिन अल्लाह हाफि स्टे सेफ़ स्टे ब्लेस हैप्पी एंड वर्क वेरी वेरी